वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ पूनम और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मिंत्रा हॉल वीडियो। सो मिंत्रा से मैंने कुछ प्रोडक्ट परचेज किए हैं और मैंने कुछ प्रोडक्ट एक साल पहले ऑर्डर किए थे जिसका रिव्यू मैं आज करने वाली हूँ। सो चलिए हम वन बाय वन करके देख लेते हैं कि क्वालिटी वाइज हमें कैसे रिसीव हुए हैं। सो सबसे फर्स्ट वाला जो प्रोडक्ट है मेरा कुछ इस तरह से है। ये एक मैक्सी ड्रेस है और बहुत ही ब्यूटीफुल सा है। मटेरियल की बात करूँ तो रेयन मटेरियल है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी में मुझे रिसीव हुआ है। यहाँ पे मैंने लार्ज साइज परचेज किया है और मुझे साइज वाइज एकदम परफेक्ट आ गया है। सो आप ये मैक्सी ड्रेस देख सकते हो, बहुत ही ब्यूटीफुल सा है। यहाँ पे हमें फ्रिल जैसा कुछ बना हुआ मिलता है और घेरा भी काफ़ी अच्छा है। मटेरियल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, रेयन मटेरियल है और इस पर जो प्रिंट दिया है वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल है। साइज वाइज मुझे एकदम परफेक्ट आ गया है। लार्ज साइज मैंने परचेज किया था, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। वेयर करने के बाद भी बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है ये। नेक्स्ट मैंने कनारकली ड्रेस परचेज किया था। ये मैंने डबल एक्सेल साइज में परचेज किया था। सो ये मुझे बहुत ज़्यादा लूज हो रहा है बट बेल्ट लगाने के बाद आप देख सकते हो बहुत ही प्रिटी लग रहा है। ये मैंने अराउंड 500 रुपीस के आसपास लिया है। अभी जस्ट सेल चल रहा था तभी मैंने परचेज किया था। ये सेल में क्या होता है, जो साइज अवेलेबल होती है वो ही हमें लेना पड़ता है। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा था स्क्रीन पर तो मैंने झट से परचेज कर लिया। बट इसमें साइज अवेलेबल नहीं थे, डबल एक्सेल साइज था। सो मुझे इसे बहुत ज़्यादा अल्टर कराना पड़ेगा बट मुझे पसंद आया है ये भी। मटेरियल की बात करूँ तो 100% कॉटन मटेरियल है और इस पे जो प्रिंट दिया है वो फॉइल प्रिंट है। काफ़ी अच्छा वाला प्रिंट है, बहुत ज़्यादा शाइनी भी नहीं है, डिसेंट सा प्रिंट है। और ये अनारकली कली में हमें मिलता है। सो नीचे की ओर हमें बहुत ही ब्यूटीफुल सा घेरा आ जाता है। नीचे हमें कुछ इस तरह से बॉर्डर का डिटेलिंग भी मिलता है। इसके साथ हमें एक कोटी रिसीव हुआ है कुछ इस तरह से। ये जैकेट मुझे इतना खास पसंद नहीं आया है क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे छोटा लग रहा है। ये थोड़ा सा चेस्ट के नीचे होना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा लगता। साइज वाइज मुझे तो लूज लग रहा है क्योंकि मैंने डबल एक्सल साइज परचेज किया था बट मटेरियल वाइज 100% कॉटन मटेरियल है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मटेरियल है। सो नेक्स्ट अगेन AKS ब्रांड से मैंने कुर्ता परचेज किया है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा है। मटेरियल की बात करूँ तो 100% कॉटन मटेरियल है। ये कुर्ते का स्पेशली मुझे ये स्लीव्स काफ़ी अच्छा लगा है और इसका नेक बहुत ही ब्यूटीफुल है। यहाँ पे हमें पूरी और इलास्टिक मिलता है और वेयर करने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। नीचे की ओर हमें कुछ इस तरह से बहुत ही ब्यूटीफुल सा घेरा मिल जाता है, काफ़ी अच्छा और ज़्यादा घेरा है। मटेरियल कॉटन है बट हल्का सा ट्रांसपेरेंट है। सो इसके अंदर हमें कुछ पहनना ही पड़ेगा। कुछ इस तरह से मल्टी कलर में प्रिंट मिल जाता है, बहुत ही सिंपल सा और ब्यूटीफुल सा कुर्ता है। ये कुर्ते का बेस्ट पार्ट ये है कि आप इसे एज अ कुर्ता भी वेयर कर सकते हो और इसे एज अ मैक्सी ड्रेस भी वेयर कर सकते हो। सो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है ये भी। सो मिंत्रा से मैंने नेक्स्ट ये कुर्ता परचेज किया था। ये आप एज अ टॉप भी बोल सकते हो क्योंकि ये बहुत शॉर्ट है। सो ये मैंने टॉप परचेज किया था और ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा मुझे रिसीव हुआ था। ये मैंने एक साल पहले परचेज किया था और इसे मैंने काफ़ी बार पहना है, काफ़ी बार ये वॉश भी हुआ है बट जैसा था वैसे का वैसा ही है और शायद ये 5-6 साल और चलेगा। सो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। मटेरियल कॉटन मटेरियल है और आप स्क्रीन पर देख सकते हो, एज इट इज़ नए का नया ही लग रहा है ये। सो नेक्स्ट कुर्ता मेरा ही बहुत ही फेवरेट कुर्ता है और ये भी मैंने एक साल पहले परचेज किया था, जैसा था वैसे का वैसा ही है अभी तक ये, और ये भी बहुत साल अभी चलेगा। सो बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये कुर्ता है, इसे आप एज अ मैक्सी ड्रेस भी वेयर कर सकते हो। मैं इसे एज अ मैक्सी ड्रेस ही वेयर करती हूँ, एज अ कुर्ता मैंने कभी इसे वेयर नहीं किया है। सो ये ब्लैक एंड रेड कलर में है। यहाँ पे हमें कुछ इस तरह से नेक मिल जाता है, 3/4 स्लीव्स मिल जाती है, 100% कॉटन मटेरियल है और आप स्क्रीन पर देख सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है ये भी कुर्ता। ये कुर्ता मैंने जब मिंत्रा पे सेल चल रहा था, शायद अभी इसका प्राइस 900,000 रुपीज़ है बट जब मिंत्रा पे सेल चल रहा था तभी मैंने इसे 650 रुपीज़ में परचेज़ किया था। सो 650 रुपीज़ में मुझे काफ़ी अच्छी डील लगी है ये।
और बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत वॉश करने के बाद भी जैसा था वैसा ही है। कॉटन मटेरियल है इसलिए हल्का सा ये ट्रांसपेरेंट है, बट ब्लैक है सो मैं इसके अंदर कुछ वेयर नहीं करती, इतना नहीं दिखता है। सो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।